है कि ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की दो दिन पहले फोटो का अपमान किया गया, उसको निकाल कर दीवार से निकाल कर कचरे में फेंका गया है। ये जीआरपी का मामला है क्योंकि ये जो घटना घटी थी जिसके बारे में वो आक्रोशित है वो रेलवे स्टेशन की घटना है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमारे साथ में दूसरी घटना थी, यहाँ हमको ये बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो ये इस प्रकार का कहना था, ये यहाँ के अधिकारी लोगों का कहना था। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एक मुख्य टिकट निरीक्षक हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी केबिन में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो को निकाल करके नीचे फेंक दिया, उसके बाद उसे कुचल कर उसे किनारे कर दिया। ये आरोप तब लगा जब सुबह सफाई कर्मी आते हैं और वो देखते हैं उनकी उन्होंने जब देखा तो वो आहत हो गए क्योंकि जिन्हें वो मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके साथ ये सारी स्थिति उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने ये बात समाज के कुछ लोगों को बताई। समाज के कुछ लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन में सुबह इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जवाब तलब मांगते हैं उस अधिकारी से जिन्होंने ये सारा कृत्य किया था, ऐसा उनका आरोप है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच की बात भी आई सामने क्योंकि वहाँ पर ये भी बताया गया कि ये मामला जब बढ़ रहा था तो बढ़ता देख करके पहले तो जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच करेंगे, अगर कोई आरोपी सिद्ध होता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। इस आनन फानन में मोहन नगर थाने से DSP जो हैं वो आती हैं और उसके बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया कि दो दिन के अंदर ये जो भी मामला है इसको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा और जो आरोपी है उसे से सख्त सजा दी जाएगी। ये पूरा मामला अभी चल ही रहा था कि तुल पकड़ते हुए समाज के कुछ और लोग भी रेलवे स्टेशन पर आ गए। जब रेलवे प्रशासन, रेलवे के जो अधिकारी थे उक्त जो ऑफिस के आसपास जो मौजूद थे उन्होंने जब देखा तो उनको लगा कि मामला धीरे धीरे बढ़ता नज़र आ रहा है। उन्होंने तमाम केबिन में जस का तस जो फ़ोटो नीचे था उसे उठा करके एज इट इज़ जहां पर उसकी जगह थी वहां रख दिया, उसके ऊपर माल्यार्पण कर दिया, साथ ही साथ आसपास के लोगों में मिठाई भी बाँट दी। सोचा कि थोड़ी लीपापोती हो जाएगी तो मामला कहीं ना कहीं संभल सकता है, लेकिन मामला संभलता नहीं बल्कि बिगड़ता नज़र आया। समाज के ही लोग अचानक से शाम के समय इकट्ठा होते हैं और रात में मोहन नगर थाने का घेराव कर देते हैं। इस तमाम घेराव के बीच सुबह जो सारी चीज़ें हुई उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन रात में जो तस्वीर हमने देखी वो आश्चर्यचकित करने वाली थी क्योंकि तमाम सारे लोग जय भीम के नारों के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर के नारों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और उनकी सिर्फ ये मांग थी कि जिस अधिकारी ने उनकी फ़ोटो के साथ ये अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए या उसके खिलाफ़ पुलिस प्रशासन कोई एक्शन ले। अब ये सोच इस मामले को लेकर के जब वो मोहन नगर थाने पहुँचे तो उन्होंने एक मांग और की कि DSP साहिबा ने जो कुछ कहा था कि इस मामले को लेकर के उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि मामले को किसी भी तरह से इसमें जो आरोपी सिद्ध होगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी, वो कहाँ है इसकी खोज हो गई। खोज के बाद लगातार भीड़ बढ़ते गई और मांग भी बढ़ती गई। मांग थी माफ़ीनामे की, मांग थी उस आरोपी जो भी आरोपी सिद्ध हुआ है उसे गिरफ्तार करने की या उसके प्रति भी तरह का कोई एक्शन लिया जाए क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो के साथ ये सारी हरकतें की। मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था, नारे भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, भीड़ भी थाने में धीरे धीरे बढ़ रही थी कि तभी जब मामला हाथ से निकलते दिखा तो तमाम मौजूद वहाँ पर सिपाहियों ने ये जानकारी अपने बड़े अधिकारी को दी और वहाँ पर पहुँचते हैं एडिशनल SP अभिषेक झा। उन्होंने मामले को संभालते हुए तमाम बातें की जो बातचीत समाज के लोगों से की है, उससे बातचीत करने के लिए वहाँ पर कैमरे के साथ सचिन भाव मौजूद थे जिन्होंने अपने कैमरे में वो तमाम चीज़ें कवर की है जो उन्होंने बताया है, उसकी भी आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उसकी भी वीडियो दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था जिन्होंने ये सारी सच्चाई उस कैमरे के सामने बयां की। कि आज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मुख्य टिकट निरीक्षक महोदया के ऑफिस में
बाबा साहब अम्बेडकर की दो दिन पहले फोटो का अपमान किया गया, उसको निकालकर दीवार से निकालकर कचरे में फेंका गया है। जैसी ही हमें जानकारी मिली हम वहाँ पे गए और वहाँ पर जाने के बाद में हमने मैडम से सवाल किया कि अपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इस प्रकार से क्यों किया। हमारी भीड़ 2-4-5-10 लोगों की भीड़ थी उस समय उन्होंने देखा तो आनंद फानंद में वो फोटो को लगा के वहाँ पे माला चढ़ा के भाग गए, मगर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिए। उसी समय में जब हम नारेबाजी कर रहे थे उसी समय में मोहन नगर थाने की DSP मैडम आकांक्षा पांडे वहां आए और उन्होंने हमसे लिखित में लिया कि आप लिखित में दीजिए, मैं उस पे 2 दिन के अंदर कार्रवाई करूंगी। हमने कहा कार्रवाई नहीं चाहिए, हमारे को डायरेक्ट इस पे एक्शन चाहिए। उस नायडू मैडम के खिलाफ FIR करके 295 की धारा लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, उन्हें संपूर्ण देश का संविधान का अपमान किया है और ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात है। तो उन्होंने मैडम ने हमें आश्वस्त किया कि मैं 2 दिन के अंदर कार्रवाई करूंगी, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि उस समय गिने चुने 10-20 लोग थे। ये बात धीरे धीरे पूरे समाज में फैल गई और आज आप जैसे कि देख रहे हैं 200-400 की संख्या में लोग आए। तो समाज की एक मांग है कि FIR लिखी जाए और FIR लिख के उस पर एक्शन लिया जाए, मैडम को तत्काल बर्खास्त किया जाए, अन्यथा वो मैडम अपने निचले कर्मचारी जिन्होंने देखा है वारदात को देखा है उस पर धमका चमका के उनका अपने बयानबाजी बदल देगी। जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमारे साथ में दूसरी घटना थी, यहाँ हमको ये बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो ये इस प्रकार का कहना था, ये यहाँ के अधिकारी लोगों का कहना था। जी मैडम। हाँ, तो ये इस प्रकार से हमारे अधिकार क्षेत्र, तो भाई जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो आप लोगों ने इतनी दोहरी राजनीति हमारे साथ में क्यों खेला, ठीक है। उसके बाद में हमने मांग किया कि हम अब एडिशनल SP महोदय को बुलाया जाए, हम उनसे चर्चा करेंगे। महोदय जी आए और आने के बाद में हमने महोदय जी को कहा कि आप रेलवे के जो भी अधिकारी है उनके अधिकारी को साथ में हमारी एक बैठक कराइए, क्योंकि भले ही वो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता लेकिन हम नागरिक तो आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो उनके साथ में बैठक कराने को वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है, एक और लॉलीपॉप हमारे को टिका दिया कि उन्होंने कहा है कि कल हम SP महोदय के साथ में आपकी मीटिंग कराते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, कल SP महोदय के साथ में हमारी मीटिंग है। यदि SP महोदय रेलवे के अधिकारी को बुलाकर यदि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या धारा उस मैडम पे लग रही है, ये यदि कल के कल हम ये नहीं बताते तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि आचार संहिता यहाँ लगी हुई है, और आचार संहिता यदि बाधित होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा। आपका नाम बताएं? अनिल जोग, छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव समता सुरक्षा सेना। एक्चुअल में ये GRP का मामला है, क्योंकि ये जो घटना घटी थी जिसके बारे में वो आक्रोशित है वो रेलवे स्टेशन की घटना है, और इसके संबंध में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिससे कि इनको लगा कि थाने के यहाँ से कार्रवाई होनी है। तो उनको समझाइश दी गई है और उनको भरोसा दिलाया गया है कि अपनी जो भी बातें हैं वो डेलीगेशन के थ्रू हमारे साथ कर सकती हैं और जो भी होगा हमसे जो संभव मदद होगी हम करेंगे। तो इस बात पर वो राजी हुए हैं और कल हो सकता है वो जाके अपना जो है मामला जो है GRP में सॉल्व करें। आश्वासन देते हुए अभिषेक झा जो एडिशनल SP हैं दुर्ग के, उन्होंने ये कहा है कि समाज के लोगों को ये आश्वासन दिया है कि वो 12 बजे SP जितेंद्र शुक्ला हैं उनके साथ मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जो भी सलाह मशवरा हो सकता है वो आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे। आगे क्या अपडेट रहेगा इस मामले पर लगातार मैं आपको दिखाते रहूँगा। शुक्रिया।